सुभाष, आज तूने मुझसे ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब मैं कभी किसी को नहीं दे सकता था, मगर तुझे जरूर दूंगा क्योंकि तू मेरा सबसे अजीज दोस्त है। बाबूजी से मेरा खून का कोई रिश्ता नहीं। क्या बात कर रहा निकेत, आदर्श तेरा सगा भाई नहीं है? नहीं, मैं एक किसान का बेटा हूं। दुनिया के हर किसान की किस्मत हमेशा दो मुसीबतों से लड़ती रहती है, सूखा और बाढ़। उस साल बाढ़ ने मेरे बाबूजी को हरा दिया, सारा गांव बह गया। काम की तलाश में मेरे बाबूजी शहर आ गए। यहां पर या तो वो काम की तलाश करते थे या बीमार रहते थे, शायद बीमार ज्यादा रहते थे वो। एक दिन काम की तरह जान भी उनका साथ छोड़कर चली गई। मैं सड़क पर ही अनाथ हो गया, कई दिनों से भूखा था। खुददार किसान का बेटा था ना, अनाज की भीख ना मांग सका और भूख से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। हजारों की भीड़ में सिर्फ एक रहम दिल मजदूर था। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, शर्म आनी चाहिए। एक मासूम बच्चा भूख के मारे रास्ते पर बेहोश पड़ा है और तुम लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो। बेटा तेरा क्या नाम है रे? मुझे अनिकेत कहते हैं। अनिकेत का क्या मतलब होता है जी? अनिकेत का मतलब होता है जिसका कोई अपना नहीं होता, जिसके सर पर कोई छत नहीं होती, उसे अनिकेत कहते हैं। बेटा आज तो सिर्फ नाम का अनिकेत होगा, तेरे सर पर छत होगी, तू हमारे साथ रहेगा। लेकिन आदर्श के साथ साथ तुम्हें भी स्कूल जाना होगा, पढ़ना होगा। लो जी फिर बीच में आपकी पढ़ाई आ गई। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि हर महीने आप इतनी किताबें क्यों खरीदते हैं। इसलिए भारती कि जिंदगी की सारी रोशनी इन्हीं काले अक्षरों में छुपी हुई है। लाखों सिपाहियों की तलवारों ने जो काम नहीं किया वो काम इन किताबों ने किया है, और फिर हम गरीब हमारे बच्चों को यही तो एक हथियार दे सकते हैं जिससे वो इस गले सड़े समाज से लड़ सके, जिंदगी में आगे चलकर कुछ तरक्की कर सके। मगर बाबूजी मैं पढ़ूंगा कैसे, मेरे पास ना किताब है ना बस्ता। मगर मेरे पास तो है, इससे दिन के स्कूल में मैं पढ़ूंगा और रात के स्कूल में तू, ये ले। बस्ता तो हमने बांट लिया, मगर इम्तिहान के वक्त किताब एक थी और पढ़ने वाले दो। ये क्या किया तुम दोनों ने, किताब क्यों फाड़ दी? उन्होंने किताब नहीं फाड़ी भारती, अपने गरीबी बांट ली। माँ कल इम्तिहान है ना, आधी किताब अनिकेत पढ़ेगा आधी किताब मैं, फिर बदल लेंगे। और फिर किताबों की तरह हमने अपने सारे सुख दुख बांट लिए। आदर्श ने मुझे भाई से बढ़कर प्यार दिया, माँ की ममता और बाबूजी के प्यार ने मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं उस परिवार का बेटा नहीं हूं। अब तो ही सोच सुभाष, उस घर की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है मुझ पर। उस परिवार की सेवा के लिए ये जिंदगी भी बहुत कम लगती है मुझे यार।